और अगर वो उसके द्वारा नहीं होता है इलेक्शन कमीशन को भी इसके खिलाफ एक्ट किया जाएगा कि राजद के एजेंट की तरह जो जनतांत्रिक गठबंधन के जो वोटर है मतदाता है उसको ये डराने धमकाने के लिए इस तरह का काम कर सकती है। काफी निंदा निंदनीय है और इसका हम लोग निंदा करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं आदित्य आपके साथ। गायघाट में पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पे कल भाजपा के और जदयू के नेताओं द्वारा जो है पुलिस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब ईंट से ईंट बजा देंगे और अब ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करवाएंगे, उनको लाइन हाजिर करवाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है और जो जदयू के जिला अध्यक्ष, क्या कुछ कर रहे हैं पहले आप सुनिए। मानवता को संसार करने वाली घटना है, जिस प्रकार के से यहाँ के थाना प्रभारी ने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, अभी हम लोगों ने देखा है कितनी बर्बरता पूर्वक उस बच्ची की पिटाई की गई है। एक्चुअली ये थाना प्रभारी आदतन मजबूर है, इसके पूर्व में भी ये इस तरह की घटना कर चुका हुआ है, मन भरा हुआ है। तो मन भरा हुआ मन है तो जनता शांत कर देगी इसके मन को। आप देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। अभी हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी बात किया था पूर्व में, उन्होंने कुछ हम लोग को कहा था कि करेंगे। अभी हम लोग 6 बजे का फिर समय लिए हुए हैं, जल्दी बात करेंगे। और अगर वो उसके द्वारा नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन को भी इसके खिलाफ फैक्स किया जाएगा कि राजद के एजेंट की तरह जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो वोटर है मतदाता है उसको ये डराने धमकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, एक क्षेत्र में इस तरह का संदेश दे रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने जो कर्म किया है उसका इनको सजा मिलेगा। और हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का सिंगल प्वाइंट मांग है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, लाइन हाजिर किया जाए, इसको किसी थाने में प्रतिरूप नहीं किया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। और इस पर हम लोग लगेंगे, अगले 3 दिन में इस पर हम लोग रिजल्ट लाएंगे और निश्चित रूप से जिला प्रशासन से हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि ऐसे घटना का फिर इस जिले और राज्य बिहार में घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। गायघाट में इनके आने के बाद ये तीसरा मामला, इससे पहले क्या CST लड़की के साथ इसी तरह से मारपीट की गई थी। ये जो घटना घटित हो रही है, ये बात आप लोगों के बारे में, आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों को जानकारी हो रही है, पहले से भी कुछ जानकारी हुई है। जब जानकारी हुई है तब हम लोग घटना स्थल पर राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय गठबंधन, जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिलाध्यक्ष और इसके जो महत्वपूर्ण साथी है, घटना स्थल पर हम लोग चलकर आए हैं ताकि स्थिति का जायजा बहुत करीब से लिया जाए। और स्थिति के बारे में जो भी हम लोगों को जानकारी मिली है, ये आप लोगों के द्वारा सही जानकारी मिली है। जो घटना घटी है काफी निंदनीय है और इसका हम लोग निंदा करते हैं। आरक्षी अधीक्षक से, वरीय आरक्षी अधीक्षक से मांग करें कि जो गायघाट थाना अध्यक्ष है पुरुषोत्तम यादव, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। तो आपने सुना भाजपा और जदयू के नेताओं ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि गायघाट के मैठी गांव में पुलिस द्वारा एक घर पर रेड की गई थी, जिसमें पीड़ित के ओर से आरोप है कि पुलिस द्वारा बर्बरता से उसकी पिटाई की गई। जब मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, बीते दिन जो भाजपा के विधायक राजू सिंह हैं उन्होंने साफ साफ कहा था, उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब से लगातार सभी दल के जो नेता है लगातार उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं। वही नेताओं द्वारा जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ऐसे पदाधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जो आने वाले समय में कोई भी हो ऐसा जो कदम उठाने पर उसको सोचना पड़े। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।